सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ देखिए, जो आप पूछ रहे थे 70-30 की बात जो कर रहे थे, जैसे मैं अपने कॉलेज का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मेरे कॉलेज का सालाना बजट जो है 10 करोड़ रुपए का है। सर कौन सा कॉलेज? रामानुजन कॉलेज। अब 10 करोड़ बजट का यदि 30% आप निकालते हैं तो 3 करोड़ रुपये हमें लाना होगा। 2200 बच्चे हैं हमारे यहाँ, अभी हम 10,000 फी लेते हैं बच्चों से। यदि 3 करोड़ लाने के लिए हमें पर बच्चों से कम 40,000-50,000 फी लेना होगा पर सेमेस्टर का। तो आप सोचिए कि एक हिंदी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए आप कहाँ से कोई बच्चा लेके आएगा 40। आपको एक मैं डाटा दे रहा हूँ, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 सीट खाली रह गए, 10,000 सीट खाली रह गए, और अशोका यूनिवर्सिटी में कारण यही फी। अब जब आप सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स शुरू करोगे, आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू करोगे, आप 80,000 रुपये लोगे, आप बतावे गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका साथ कहाँ आ रहा है? आज भी भारत की 70% जनसंख्या बहुत अच्छी तरह रहने के लिए काबिल नहीं है, वो बच्चा कहाँ से 1-1.5 लाख रुपया पर सेमेस्टर का फी देगा? तो कहीं ना कहीं, और हेफा जो बनाया इन्होंने, हायर एजुकेशन फंड अथॉरिटी, उसके लिए इन्होंने 4 तरह के रूल बनाए हैं कि 4 तरह से आप पैसा जनरेट करोगे। या तो हम अपने कॉलेज को किराए पर दे दें, लोन को किराए पर दे दें, बाहर दुकान लगा लें, और पकौड़ा बनाने के लिए भी मैदा बेसन आलू की ज़रूरत होती है। बिना मैदा बेसन आलू के हम पकौड़े नहीं बनाएंगे। पहले मैदा बेसन आलू खरीदने का पैसा तो हमारे पास, उसका तरीका तो जाने, तभी तो पकौड़ा बनाएंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा, और बिना शिक्षा के कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप रोड पे हैं तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा भाई साहब? डिजिटल इंडिया तब तो होगा जब आपके पास इंटरनेट होगा, जब आपके पास कंप्यूटर होगा। पहले हम कंप्यूटर तो लेके आए, हम ये तो बताएं सिखाने वाले, वही बता रहा हूँ। जब कीबोर्ड को हम जानेंगे नहीं कि रैम क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, हम डिजिटल इंडिया क्या कर लेंगे? और आज डिजिटल इंडिया तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होने के लिए जरूरी है एजुकेशन, नए नए ऐप्स बनाने के लिए जरूरी है रिसर्च। जब तक रिसर्च नहीं होगा तब तक ऐप्स नहीं बनेगा, और तब तक सबका विकास नहीं हो सकता। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर आलोक पांडे हूँ, डूटा ज्वाइंट सेक्रेटरी।